वेलकम टू द बी प्रो स्मार्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटर टू एडिटर। तो इस टॉपिक को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द लेटर टू एडिटर, देन द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, देन वी विल डिस्कस अ सैम्पल लेटर। फिर उसके बाद कुछ इम्प्रेसिव लाइन्स जो कि हम हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर लेटर टू एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हमारे एग्जामिनेशन में नंबर नहीं कटेंगे और कोई भी लेटर आ जाए लिखने के लिए एडिटर के लिए, हम उसमें ईजिली अच्छी इम्प्रेसिव लाइन्स के साथ उस लेटर को प्रेजेंट कर सकते हैं और फुल मार्क्स वी कैन स्कोर। तो सब और जैसा कि ये तो आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ामिनेशन में कैसे मतलब कौन कौन सी चीज़ों के पहले मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं उनको। एग्ज़ामिनेशन में हम लोग को सबसे पहले जो वन मार्क का जो हम लोग जो फॉर्मेट लिखेंगे, ठीक है, जो लेटर का जो हम फॉर्मेट लिखेंगे अगर हम सिर्फ उतना ही लिख के आते हैं देन हमको सिर्फ और सिर्फ वन मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फोर मार्क्स होंगे वो कंटेंट का होगा, फिर जो एक्सप्रेशन है उसके थ्री मार्क्स, ठीक है। कंटेंट में आपका ये देखेंगे कि आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप मतलब अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपनी थिंकिंग अपने थॉट्स को आप अच्छे से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, देन और एक्सप्रेशन आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, मतलब आपकी ग्रामर वगैरह सब कुछ इसमें मतलब और अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब को मिला करके आपको 8 मार्क्स का आता है लेटर, ठीक है। समटाइम आई थिंक इस बार 10 का भी आ सकता है, सो बट जो भी हो, बट फिर भी पहले इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छे से क्लियर करना है, अपने मतलब पूरी तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। तो इसलिए मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू सम इम्प्रेसिव लाइन्स जिसको आप हर लेटर में यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली मार्क्स को गेन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द लेटर टू एडिटर एंड देन उसका फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ द लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर क्या होता है? इट इज़ एन ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर रिटन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, ठीक है। ये भी एक तरीके का फॉर्मल लेटर और ऑफिशियल लेटर है। इसको हम न्यूज़पेपर के एडिटर या न्यूज़पेपर या मैगजीन के एडिटर को लिखते हैं। जनरली ये इन दीज लेटर अ सोशल इशू और अ प्रॉब्लम इज़ हाईलाइटेड। इसमें कोई एक कोई प्रॉब्लम या कोई सोशल इशू वो उसको हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। अब ये एक फॉर्मल लेटर है, इसके कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को पता होना चाहिए लिखने के टाइम में, ठीक है, कि क्या कि सबसे पहले री रीड योर लेटर एंड इंश्योर देयर इज नो स्पेलिंग एरर। मतलब आपने लेटर लिख लिया उसके बाद आप चेक करो, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। नेक्स्ट, यूज़ ओनली फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करें बिकॉज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर। डू नॉट यूज़ स्लैंग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ द एब्रिविएशंस और द स्लैंग लैंग्वेज, कि उसमें ना ही स्लैंग लैंग्वेज और एब्रिविएशंस शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह ना लिखें, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा लेटर है उसको उसके फॉर्मेट को, ठीक है। लेटर ऐसे हैं जैसे कि सारे फॉर्मल लेटर्स का होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है मीन्स अपना एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है डेट। अभी हम लोग आगे चल के अभी सैम्पल लेटर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद डेट। डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, मीन्स ऐसे डेट मंथ पूरा लिखो देन फिर द ईयर, ठीक है। ये नहीं कि हम ऐसे AUG बस लिख दें, इतना नहीं, पूरा अच्छे से डेट पूरी लिखनी है। उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं मीन्स एडिटर का, जैसे द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका मतलब उनका एड्रेस, उसका एड्रेस दिल्ली वगैरह जो भी जहाँ पे है, सबसे पहले लिखेंगे द एडिटर और मतलब उनका डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद उनका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, देखो सैल्यूटेशन में डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है सब्जेक्ट। देखो पहले क्या होता था कि हम लोग सब्जेक्ट को यहाँ लिखते थे सैल्यूटेशन की जगह पे, सैल्यूटेशन की जगह पे सब्जेक्ट, बट ऐसा चेंज हो गया है। तो अब क्या करना है कि सैल्यूटेशन हमेशा ऊपर लिखना है, उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। अगर उसके बाद फिर बॉडी, जो हमारी ये जो इसकी बॉडी है लेटर की, वो थ्री पार्ट्स में, तो सबसे पहले इसका
फर्स्ट जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, जो बॉडी है थ्री पार्ट्स में, थ्री पैराज में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पैरा जो होगा वो इंट्रो होगा, मतलब इंट्रोडक्शन देंगे, मतलब कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसका इंट्रोडक्शन। देन सेकेंड में उसका डिटेलिंग करेंगे, डिटेलिंग, और इसमें जो है कंक्लूड कर देंगे अपनी प्रॉब्लम को, कंक्लूजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो बॉडी की जो थ्री पार्ट्स हैं डिवीजन के बाद, फिर हम लोग करनी है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। लास्ट में योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सैम्पल लेटर देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे इसको लिखना है। तो ये है हमारा सैम्पल लेटर, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले, और देख सारे मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा है, देन फिर उसके बाद डेट है, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए जैसे हमने डिस्कस करा वैसे ही लिखा हुआ है, देन रिसीवर्स एड्रेस है, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, देन दी बॉडी। बॉडी को देखो थ्री पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है, वैसे सेम इंट्रो, फिर उसके बाद उसकी डिटेल, मतलब जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में समझाया गया है। उसके बाद है हमारा थर्ड, मतलब थर्ड पैराग्राफ में हमने क्या किया, प्रॉब्लम को कंक्लूड किया है, और मतलब ये बोला है कि हम पॉजिटिव तरीके से हम बोल रहे हैं, पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यू विल थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ऐसे करके ये सारा जो प्रॉब्लम है ऐसे करके इसको कंक्लूड करते हैं, किसी भी लेटर को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की गई है। देखिए अब ऐसे लेटर अगर हमको एग्जामिनेशन में आ जाए तो अचानक से हमारे माइंड में इतना तो होता नहीं है कि फटाफट आया कोई सा भी आ गया हमने फटाफट लिख दिया। सो कुछ मैं आपको इम्प्रेसिव लाइंस बताऊंगी जिससे आप इजीली कोई भी लेटर, मतलब एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो माइंड में हमारे आते रहते हैं, फिर हम मतलब आते जाएंगे, वी कैन राइट ईजिली, ओके। और इससे ऐसी इंप्रेसिव लाइंस है जिससे आपका एग्जामिनर के माइंड में आपका अच्छा इंप्रेशन बनेगा और उसके आपका इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन बॉडी के जो थ्री पैराग्राफ्स हैं उनमें अलग अलग तरीके से उन तीनों लाइनों में आप अपनी लाइंस कौन सी ऐड कर सकते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द लाइंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 लाइक अवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, जो कि हम बॉडी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में। देखिए आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं तो कैसे है, देखिए पहला लाइन में चले थ्रू दिस थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू डू दिस, जो आपका इशू है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे मतलब नेक्स्ट आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर दिस इशू, मतलब ये कुछ लाइन्स आपको इसमें से जो मन करे जो भी आपको बेटर लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, यहाँ पर भी फिर इसके आगे जो आपके इशू, ठीक है। इशू लिखने से पहले अगर आप इसको अच्छे से डायरेक्टली इशू ना लिख के पहले ये थोड़ा सा ये लाइंस का यूज़ करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देन इस पर एग्जामिनर को भी लगता है हाँ इसको जो है स्किल, मतलब जो उसकी सब्जेक्ट के लिए स्किल्स हैं अच्छी हैं। नेक्स्ट द बिलीव दैट आई बिलीव दैट योर न्यूज़पेपर, उनके न्यूज़पेपर की थोड़ी तारीफ वारीफ करके ये बहुत ये स्टीम न्यूज़ पेपर है, देन उसके बाद अपना प्रॉब्लम इशू रखेंगे। नेक्स्ट आई एम सो एंड शो, मतलब आई एम शो एंड शो, मतलब अपना यहाँ पर सिंपली अपना नाम लिखना, ठीक है, योर नेम, कि मतलब मैं ये हूँ राधा सपना जो भी वट एवर, तो आई एम दिस ऑफ दिस सोसाइटी, अपने सोसाइटी या फिर जिस एरिया में आप रहते हैं, फिर उसका यहाँ पहले यहाँ पे अपना नेम, उसकी जगह पे अपना नेम लिखना है, फिर यहाँ पे दिस, ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी का, ठीक है। आई एम दिस, आई एम राहुल ऑफ दिस सोसाइटी, अपने अपना वहाँ का एड्रेस नाम लिखना है, मतलब इसका हूँ। फिर आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू रेज द इशू ऑफ, इसके बाद फिर ये लिख सकते हैं कि मेरे, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, ठीक है, एडिटर को। फिर नेक्स्ट आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रैग योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम, जो भी इशू हाईलाइट करना है ये सारा उसके आगे, तो ये आप स्टार्टिंग में ऐसे करके पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग को जो नेक्स्ट जो सेकेंड पैराग्राफ है उसकी हम लोग फिर इंप्रेसिव लाइन्स देख लेते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली, वो है द पीपल और रेसिडेंट्स या सिटीजन्स, इन दिनों में से कोई भी वर्ड लिख देंगे, द पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस इशू, जो भी हम लोग का जो इशू है उसके आगे करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट द मेन रीज़न फॉर द दिस, मतलब इसका क्या, जो भी मतलब किसी चीज़ का रोड वगैरह किसी भी चीज़ की जो भी इशू है उसको फिर उसकी वजह से क्या क्या उसके किस क्या रीज़न है मेन, ठीक है, वो लिखेंगे। इन एडिशन टू इट, मतलब ये जो लाइन्स हैं हम कहीं भी, मतलब ये नहीं कि ज़रूरी कि सेकेंड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखें, कभी भी मतलब बीच में भी किसी उस सेकेंड पैराग्राफ में हमें जहाँ सूटेबल लगे वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या हमने पढ़ा था कि क्या लिखना है, जो डिटेल्स हैं डिटेलिंग, मतलब जो हमारी जो कंप्लेन है जो इशू है जो भी हाईलाइट करना है हमको उसकी पूरी डिटेल्स में हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है।
थोड़ा इन एडिशन टू इट फॉर इवन आफ्टर द वेरियस कंप्लेंट्स, बहुत कंप्लेन करी हमने, फिर भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करके पूरी कहानी लिखनी है। फिर जो हमारा है थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, थर्ड पैरा में कैसे लिख सकते हैं, उसमें हम देखो हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब अच्छे से देना है, ताकि हमको हमारा जो लेटर है उसको उनके हमारे लेटर को अपने वो मतलब न्यूज़पेपर में थोड़ी सी स्पेस दे दें, ताकि जो हमारा इशू है वो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं आई शैल रियली बी ग्रेटफुल ग्रेटली थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग रिलेवेंट स्पेस टू माई कंसर्न इन योर प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर। मतलब ये ऐसी लाइन, इतनी अच्छी लाइन है, इसको जो आप इजीली लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनेगा। इसको इनमें से कोई भी लाइन जो आपको सूटेबल लगे, तीनों में से कोई भी आप लाइन लिख सकते हो। सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक एंड डैश, मतलब ये जो इशू है इसको मैं चाहूँगा कि आप हाईलाइट करो अपने न्यूज़पेपर में, हमारी मतलब जो जनरल पब्लिक है उसकी अच्छाई के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड सूटेबल स्पेस इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, कि जो ये मेरा जो लेटर है वो रेप्यूटेड स्पेस आपके न्यूज़पेपर आपकी रेप्यूटेड जो न्यूज़पेपर जो स्टीम आपका न्यूज़पेपर है उसमें मेरा जो लेटर है उसको जो मेरा इशू है जो लेटर है उसको स्पेस मिलेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ, आई होप दिस। ओके, उसके बाद फिर ऐसे करके हमारा तीनों पैराग्राफ को पूरा करना है। फिर जो लास्ट है एंड, फिर उसके बाद हम लोग को क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सॉरी ये तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग था, कंक्लूजन था ये थर्ड पैराग्राफ। फिर अब उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कैसे करना है, योर सिंसियरली योर फेथफुली, उसके बाद हमारा जो लेटर है फिनिश, मतलब इतना ही पूरा कंप्लीट हुआ था लेटर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज़ 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 लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू एंड हैव अ वन